प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हेडिंग पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती क्या है, प्रॉपर्टीज वगैरह, और लास्ट में नोट में हमने कुछ छोटी पॉइंट्स बताई थी। वो हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक नई हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस हेडिंग में पांच छह पार्ट पढ़ने हैं हम लोगों को, पांच छह पॉइंट्स या हेडिंग कह लीजिए पढ़ने हैं, और ये छयो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इसमें से एक दो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, इसी की चर्चा हम लोग इस हेडिंग में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हेडिंग है, इसमें सबसे पहला पढ़िए टार्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टार्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कल हमने आपको बताया था कि यूनिफार्म और नॉन यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और नॉन यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने आपको कल बताया था। मान लीजिए आपने कहीं एक यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और इसकी इंटेंसिटी ई है। हमने किसी रीजन में एक यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जिसकी इंटेंसिटी ई है हर पॉइंट पर। अब इस यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर रख दिया, और डाइपोल के ये जो दो पोल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस हमने 2L मान लिया, ठीक है। तो हमने एक यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जिसकी इंटेंसिटी E है, और इस यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर रख दिया। जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं इसके जस्ट पिछले वाले पार्ट में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा मैंने बताया था, क्यूई, और ये भी हमने बताया था आपको कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ये हमने चर्चा की थी आपसे। चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो पॉइंट चार्ज से बना हुआ एक सिस्टम है, और जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं तो इसके ये दोनों पोल यानी दोनों चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गए, और जब दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज पर फोर्स लगाएगी। ये पॉजिटिव पोल है, इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और ये नेगेटिव पोल है, इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, और दोनों पोल पर फोर्स लगेगा QE। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी एंगल पर आप रख देते हो तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पोल्स पर फोर्स लगाएगा, और दोनों पोल पर जो फोर्स लगेगा डाइपोल के वो फोर्स इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों फोर्स की एक्शन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो फर्स्ट ईयर में रोटेटरी मोशन चैप्टर में आपको बताया गया है कि यदि किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हों, दोनों इक्वल हों, अपोजिट हों, और दोनों की एक्शन लाइन पैरेलल हों,
तो उन दोनों फोर्सेस को कंबाइन रूप से कपल कहते हैं। और किसी भी बॉडी पर यदि कपल लग रहा है, कपल वर्क कर रहा है, तो कपल का एक ही काम है कि बॉडी को रोटेट कराना, रोटेट कराने की कोशिश करना। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पोल्स पर फोर्स लगाने लगी। जो फोर्स लगाई वो दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, इनकी एक्शन लाइंस पैरेलल हैं। इसका मतलब सीधा साधा आप कह सकते हो कि यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पर एक कपल लगाएगा, और जो कपल इस डाइपोल पे लगेगा वो कपल कोशिश करेगा कि इस डाइपोल को रोटेट कराकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ला दे। ठीक है, तो यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को किसी एंगल पर रख दिया जाए तो डाइपोल पर एक कपल लगेगा, और वो कपल ये कोशिश करेगा कि डाइपोल रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए। ठीक है, अब हमको यही निकालना है कि ये जो कपल लगा डाइपोल पर, जो डाइपोल को रोटेट कराकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है, इस कपल के कारण डाइपोल पे कितना टार्क लग रहा है। क्योंकि आप ये बात जानते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि जब तक किसी बॉडी को टार्क नहीं मिलेगा, बॉडी रोटेट कर नहीं सकती। तो यदि कपल बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि ये कपल डाइपोल पे टार्क लगा रहा है। अब ये कपल डाइपोल पे कितना टार्क लगा रहा है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू कपल। तो कपल के ड्यू टू किसी बॉडी पे कितना टॉर्क लगता है, उसका फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब देखिए, ये याद रखना कि कपल के ड्यू टू किसी बॉडी पे कितना टार्क लगता है यदि पूछा जाए, तो उसका फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। यानी कपल के जो दो फोर्स लग रहे हैं उनमें से कोई एक फोर्स ले लीजिए, तो एक फोर्स हमने ले लिया क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, यानी दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो इस फोर्स को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो यही दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, और आप जानते हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस यदि 2L हो तो परपेंडिकुलर हो जाता है 2L साइन थीटा, और बेस हो जाता है 2L कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच का फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2L साइन थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये Q और 2L एक पास ले लो तो हो जाएगा Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। अब आप पढ़े हो Q इंटू 2L को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसलिए Q इंटू 2L की जगह हम P लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है। इस चीज को याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी एंगल पर हम रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टार्क लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा डाइपोल पे लगाया गया टार्क पी साइन थीटा होता है। ये फार्मूला है। तो किसी भी यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप डाइपोल को किसी एंगल पर रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डाइपोल पे कितना टार्क लगाएगा यदि पूछा जाए तो P साइन थीटा बताइए। अब इस फार्मूले के से रिलेटेड कुछ छोटी बातें देख लो। जैसे पहली, इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म ऑफ, अब आप फार्मूला, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यानी इस पर भी आपको न्यूमेरिकल आता है, उसमें P दिया रहेगा I J K के टर्म में, E भी दिया रहेगा
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, टार्क निकल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते भी, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको लगा लीजिएगा। यदि मान लीजिए पी की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस 3 के यूनिट और ई की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस के यूनिट और आपसे कह दिया गया फाइंड टॉर्क, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला बताया गया है कि पी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो टॉर्क निकल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आप वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन करके लिख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का एक ये फार्मूला है और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इस फार्मूले से कौन न्यूमेरिकल लगेंगे, पी दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री पर है ये दिया रहेगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा, इससे निकालना। और यदि इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालिए। यहाँ पर टॉर्क का यदि आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उसके उन वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यदि आपसे टॉर्क का डायरेक्शन पूछा जाए तो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यदि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई का प्लेन एक्स वाई एक्सिस है तो टॉर्क का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अलांग हो जाएगा। यदि पी क्रॉस ई का डायरेक्शन वाई जेड प्लेन में है तो टॉर्क का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलांग हो जाएगा, यानी टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा पी क्रॉस ई के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसमें ज़्यादा हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में बताया जा चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट इस फार्मूले से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क केवल डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर। तो यहां लिख देंगे कि फ्रॉम अबव वी हैव द टॉर्क ऑन डाइपोल is depends upon sin theta s, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को यदि किसी एंगल पर रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, तो द टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली डिपेंड्स अपॉन sin theta, केवल sin theta पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप ये भी जानते हो कि यदि दो क्वांटिटी डायरेक्टली, दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक तभी मैक्सिमम होगा जब दूसरा मैक्सिमम हो। इसका मतलब हो गया कि टाऊ विल बी मैक्सिमम, टाऊ विल बी मैक्सिमम इफ साइन थीटा बिकम मैक्सिमम, एंड यू नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, तो उस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो एक छोटा सा सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी डाइपोल को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को कैसे रखा जाए कि उस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम हो, तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि आप 90 डिग्री पर रखते हो तो उस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होगा यदि निकालना हो तो इसी फार्मूले में थीटा की जगह 90 रख दीजिए, ये हो जाएगा P। तो यहां पर दो चीज कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा ये बता दिया गया,
और मैक्सिमम कितना होगा पूछा जाए तो ये बता दें। इसी तरह से यदि हम मिनिमम निकालें यानी टाउ विल बी मिनिमम, यहां पे आप सिंगल एरो से मैक्सिमम वाला लिख लें और फिर मिनिमम, टाउ विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा बिकम मिनिमम एंड यू नो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला टार्क मिनिमम होगा यानी जीरो होगा। तो मिनिमम टार्क कितना लगेगा, देयरफॉर मिनिमम टार्क इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हो तो उस पर टार्क मैक्सिमम लगेगा, पैरेलल रख दे हो तो कोई टार्क नहीं लगेगा। यानी यही डाइपोल की स्टेबल स्टेट कहलाती है, ठीक है ना? क्योंकि पैरेलल रखने पर ये टार्क नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये डाइपोल की स्टेबल स्टेट कहलाती है, ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ और छोटी सी बातें हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।